तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? तो बोन्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमारा पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग बोन्स किस किस तरीके की हो सकती हैं? जैसे लॉन्ग बोन, तो शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन क्या है? ईच लॉन्ग बोन हैज़ अ एलोंगेटेड शेफ्ट कॉल्ड डायफाइसिस एंड टू एक्सपेंडेड एंड कॉल्ड एपीफाइसिस विच आर स्मूथ एंड आर्टिकुलर। मान लीजिए ये कोई बोन है, तो इस बोन में इस पार्ट को मैं बोलता हूँ शेफ्ट, और शेफ्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, इस पोर्शन को डायफाइसिस, ठीक है। और ये जो एंड है एलोंगेटेड एंड के बाद ये जो एक्सपेंडेड एंड है इनको मैं बोलता हूँ एपीफाइसिस। एपीफाइसिस और डायफाइसिस के भी एक और जोन होता है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। द शेफ्ट इज हैविंग टिपिकली थ्री सर्फेसिस सेपरेटेड बाई थ्री बॉर्डर्स। तो जैसे जनरली जितनी लॉन्ग बोन्स अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, इसको काटूं मैं इस तरीके से क्रॉस सेक्शन निकालूं, तो क्रॉस सेक्शन में ये किस तरीके दिखे, कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर दिखती है। तो ट्राइंगुलर में ये तीन बॉर्डर दिखे, 1, 2, 3 ये बॉर्डर हो गए, और एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस ये हो गया। तो यही बताना चाह रहा है कि इट इज़ हैविंग थ्री सरफेसेस सेपरेटेड बाय थ्री बॉर्डर्स एंड अ सेंट्रल मेडुलरी कैविटी, और इसके सेंटर से ये कैसा होगा, ये हॉलो होगा, ये पूरी ट्यूब जो है इसमें क्या होगी, ये हॉलो होगी सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर में हॉलो होगी। तो ये हो गया, एंड अ न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड्स। और न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पर होगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन मतलब इसकी ब्लड सप्लाई। तो यहाँ से मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, इसके अंदर एंटर करेगी तो ये इस तरीके से इसको ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस बोन पर ये होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। द टिपिकल लॉन्ग बोन्स आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया एंड फिबुला। आपको पता है ये लिम्स की बोन है सारी की सारी, अभी हमने डिस्कस करी है पिछले वीडियो में, ठीक है। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, जिनमें ओनली वन एपीफाइसिस, यानी टिपिकल लॉन्ग बोन में ये स्ट्रक्चर होगा जो मैंने बनाया है, मिनिएचर में क्या होगा, ओनली वन एपीफाइसिस होगी, और वो हमें कहाँ देखने के लिए मिले, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स और फेलिंजिस। तो मेटाकार्पल देखिए, ये क्या है, ये मेटाकार्पल्स आपको देखने को मिले, तो ये मेटाकार्पल्स हैं। ऐसे ही पैर में होती है मेटाटार्सल्स, ठीक है, और ये है फेलिंजिस, ये क्या है, ये है फेलिंजिस। तो ये कैसी है, मिनिएचर लॉन्ग बोन है। बेसिकली लॉन्ग बोन हम किस बेसिस पर कह रहे हैं, लॉन्ग बोन हम बोल रहे हैं क्योंकि इनकी विड्थ से ज़्यादा इनकी लेंथ है, आप इतना याद रखो। एक होती है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, जिसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, जैसे कि क्लेविकल। तो हमारी जो चेस्ट में आगे की तरफ नेक के एंड पर जो दो बोन होती हैं, जो कॉलर बोन भी बोलते हैं उनसे, वो क्या है, क्लेविकल। वो कैसी है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, जिसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी मेड्यूलरी कैविटी, ठीक। इसके बाद दूसरे को अकॉर्डिंग टू शेप दूसरा टाइप क्या है, शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन के क्या होगा, शेप, शेप कोई सा भी शेप हो सकता है इसका, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूनिफॉर्म हो सकता है, ट्रेपेजॉइड होता है, स्कैफॉइड होता है। तो ये नाम किसके हैं, ये बेसिकली कार्पल बोन से नाम है, ये जो है देखिए, ये देखिए, ये सारा ये रीजन में क्या है, हमारी कार्पल बोन जो मैंने ये कलर की है। तो यहाँ पर देखिए कार्पल बोन में जो पहली रो है उसमें क्या है, लूनेट, कैपिटेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसीफॉर्म, हैमेट, स्कैफॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, अपनी शॉर्ट बोन्स में आती है। क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसके बाद आती है आपकी फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स रिजेंबल शैलो प्लेट एंड फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला। तो ये हमारी बॉडी के ज़्यादातर क्या है, बाउंड्रीज बनाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी हार्ट और लंग है, तो हार्ट और लंग जो है वो किसी बॉडी की कैविटी में बनते हैं, तो उस कैविटी को आउटर कवरिंग किससे दी गई है, फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये स्कैपुला कहाँ होता है, ये स्कैपुला अटैच करता है किसको, देखिए बाउंड्री है ना, अपर लिम को अटैच करता, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटल को अटैच करता है किससे, एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो ये क्या है, स्कैपुला, और ये क्या है, रिब, और
कई बुकों में इसको कोस्टा भी लिखा जाता है, कुछ जगह लिख मिलेगा आपको कोस्टा, कोस्टा या रिब्स। और आपका पूरा स्कल, ये पूरा जो स्कल है अपना, तो ये कैसी है, ये फ्लैट बोन है ये पूरी, क्योंकि इसके अंदर से पूरी हॉलो है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ब्रेन रखा हुआ है, ठीक। इसके बाद इररेगुलर बोन। इररेगुलर बोन वो बोन है जिनका कोई शेप नहीं है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, हिप बोन, बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल, बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल। तो स्कल में जो बेस होता है, कौन कौन सी होगी बेस ऑफ स्कल, कौन बनाता है? एक तो बनाती है एथमोइड और एक होती है स्फिनोइड। स्फिनोइड का नाम तो आपने सुना होगा नीट की तैयारी में। स्फिनोइड बोन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और एथमोइड बोन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है अपने ब्रेन का, वो कहाँ होता है, एथमोइड बोन के पास, फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल। एक होती है आपकी न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक 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 माने होता है एम्प्टी स्पेस, एयर फिल्ड स्पेस। तो सर्टेन इरेगुलर बोन्स कंटेन्स लार्ज एयर स्पेस लाइन बाय एपिथीलियम, एग्जांपल मैग्जिला, स्फिनोइड, इथमोइड। ये सब कैसी बोन है, स्फिनोइड, इथमोइड और मैग्जिला किस में आएंगी, ये न्यूमेटिक बोन में आती हैं, क्योंकि ये क्या बनाती है, नोज के अंदर की कैविटी बनाती हैं, ठीक है। दे मेक द स्कल लाइट इन वेट, हेल्प इन रेजोनेंट ऑफ वॉइस एंड एक्ट एज अ एयर कंडीशनर चैम्बर्स फॉर द इंस्पायर्ड एयर। तो इनका काम क्या है भाई, पूरे ओवरऑल स्कल में आपको पता है स्कल के अंदर ब्रेन रखा हुआ है, और उस स्कल के अंदर आपका क्रेनी जो स्कल है उसमें क्या है, उसके अंदर पूरा जो उसके नीचे वाला सरफेस है वो किस है, लाइट इन वेट होना चाहिए। उसमें लाइट इन वेट से किस वजह से हुआ, जब उसमें एयर फिल्ड कैविटीज़ होंगी, जब वो हॉलो होगा, हॉलो रखने का क्या रीजन है, रेजोनेशन ऑफ वॉइस और एयर कंडीशनिंग, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में जैसी भी एयर अगर वो डायरेक्ट लंग्स में चली जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना लंग्स के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कराती है, जो एयर हम ले रहे हैं बाहर से, अगर वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस ह्यूमिडिटी को थोड़ा वार्म करेगी, और ह्यूमिडिटी कम है तो उसको ज़्यादा ह्यूमिड बनाएगी। तो ये सारा बॉडी का फंक्शन रहता है। एक होती है आपकी एसेसरी या सुपर न्यूमेररी बोन्स, दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, बहुत कम लोगों में ये मिलती है। दीज में अकर्स एज अ अनयूनाइटेड एपिफाइसिस डेवलप्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, एग्जांपल सूचरल बोन्स, ट्राइगोनम, वेसेलियम, वेसेलियनम, ट्यूबरोसिटी ऑफ फिफ्थ मेटा टार्सल। इन मेडिकल लीगल प्रैक्टिस एसेसरी बोन्स में बी मिस्टेकन फॉर द फ्रैक्चर। अच्छा, इन बोन्स का एक्चुअल में क्या है, इनका शेप वगैरह ऐसा होता है क्योंकि ये एक एडिशनल, जैसे बोन है, अब बोन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन गया एडिशनल, तो ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर बना ये किसी किसी के अंदर बनता है, तो उसको हम एसेसरी बोन कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बोन कहते हैं। तो ये क्या है, मान लो ये इसका ग्रोइंग एंड था, एपिफाइसिस थी, तो यहाँ से एक और सेंटर बन गया ग्रोथ का, तो एक और बोन बन गई यहाँ पर। तो इस तरीके की बोन बस आप नाम याद रख लो कि वेसेलियनम जैसे होता है वो है फिफ्थ मेटाटार्सल पर ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी क्या है, मतलब ट्यूबरोसिटी क्या है, एक तरीके का आउटग्रोथ मान लो इसको, वो ट्यूबरोसिटी हो गई। तो वो क्या है, वो फिफ्थ मेटाटार्सल पर मिलती है। ट्राइगोनम मिलता है कहाँ, टेलस पर, पैर में होता है टेलस, तो वहाँ पर ये बोन मिलती है, ऑस ट्राइगोनम। ऑस मैंने बताया ना, बोन, बोन के लिए क्या वर्ड होता है, और हाउएवर दीज आर ऑफन बाइलेटरल एंड हैव स्मूथ सर्फेस विदाउट एनी कैलस। जनरली ये दोनों साइड में मिलेंगी, इसकी ये खासियत होती है, और इसका सरफेस स्मूथ होता है, इसके जिसके अंदर होती है उसको कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। एक होती है हेटरोट्रोफिक बोन। हेटरोट्रोफिक बोन मतलब ये है कि ऐसी बोन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ में डेवलप हो जाए, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, जैसे हॉर्स राइडर्स जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनकी एडक्टर मसल्स को में राइडर्स बोन भी बोलते हैं, इसको एडक्टर मसल में बोन डेवलप हो जाती है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग में क्या होता है, एडक्टर मसल्स में, तो हॉर्स में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हॉर्स की बैक है, ठीक है, अब कोई पर्सन है वो इस पर बैठा हुआ है, तो ये इसके पैर हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये हॉर्स है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है हॉर्स के ऊपर ये इंसान, तो ये इसका एडक्टर कंपार्टमेंट है,
तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेशर इस एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स में कुछ बोन डेवलप हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं हॉर्स राइडर्स मसल, हॉर्स राइडर्स बोन और राइडर्स बोन, जो पैर के एडक्टर कंपार्टमेंट मतलब अंदर की तरफ उनमें मसल्स में कई बार बोन डेवलप हो जाती है ड्यू टू प्रेशर। लेकिन वो हर एक इंसान के अंदर नहीं, ये सब कुछ मेन हमारे जो सिलेबस के हिसाब से मेन है, हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन और स्मॉल बोन और इरेगुलर बोन, ये सब एक्स्ट्रा ही, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेसरी बोन हेटरोट्रोफिक, एक इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीस्मोइड बोन। सीस्मोइड बोन्स आर बोनी नोड्यूल्स फाउंड एम्बेडेड इन द टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेंडन या जॉइंट कैप्सूल में बन जाती है बोन। स्पेशलिटी क्या है, नो पेरियोस्टियम, इसके ऊपर पेरियोस्टियम कवरिंग नहीं होती, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, पेरियोस्टियम का फंक्शन अभी हम आगे बताएंगे, एंड ऑसीफाई आफ्टर बर्थ, और ये आफ्टर बर्थ बनती है, बर्थ से पहले नहीं बनती। दे आर रिलेटेड टू द आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर बोनी सर्फेस एंड आर सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट आर कवर्ड विद द हाइलिन कर्टिलेज। ये ऐसे बोन के पॉइंट पर बनेगी, ऐसे जॉइंट्स पर बनेगी जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसका बना होगा, हाइलिन कार्टिलेज का, एंड लुब्रिकेटेड बाई बुरसा और साइनोवियल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल पटेला, पिसीफॉर्म, फैबेला। तो ये जो पटेला और पिसीफॉर्म आपको कहाँ मिलेगी, आपको हैंड में मिलेगी है। पिसीफॉर्म कहाँ होती है, हैंड में होती है, और पटेला लेग में होती है। आपको पता है कि आपकी जो थाई मसल्स हैं, ये थाई मसल्स हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटस फीमोरिस, इसका जो टेंडन होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, टीबिया पर, नीचे वाली टीबिया है और ऊपर वाली का नाम फीमर है। तो ये इस टेंडन में डेवलप हो जाता है पटेला, ये इसका एनलार्ज व्यू है पटेला का, ठीक है। ये पटेला डेवलप हुआ किसके टेंडन में, क्वाड्रेटस फीमोरस मसल के, जो आपकी फ्रंट ऑफ थाई जो मसल होती है उसका। फंक्शन ऑफ सिस्मोइड बोन आर रेजिस्ट प्रेशर, मिनिमाइज फ्रिक्शन, ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल एंड मेंटेन द लोकल सर्कुलेशन। ये हमारे प्रेशर को, जो इस जॉइंट पर प्रेशर पड़ रहा है उसको मिनिमाइज कर देती है फ्रिक्शन को, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये बोन इसको, ये टेंडन इसको खींचेगा तो कई बार चांस बन सकता है कि इन दोनों आर्टिकुलर के बीच में हमारा टेंडन कंप्रेस हो जाए, तो उस कंप्रेशन को बचाने के लिए, प्लस कुछ हमारी जो पैर है मतलब अगर एकदम स्ट्रेट होते तो वो डायरेक्शन ऑफ पुल इस मसल का तिरछा है, इसके फाइबर्स कैसे है इस तरीके से है, और ये बोन किस तरीके है इस तरीके से, तो डायरेक्शन ऑफ पुल को भी ये डिसाइड करती है, मतलब किस डायरेक्शन में आपकी टीबिया ऊपर जाएगी, और लोकल सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक्स इसके फंक्शन है। सिस्मोइड बोन में आपको याद रखना पेसीफॉर्म हैंड में होती है और पटेला होती है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन।